तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए एक अमरूद के पौधे में कितने अमरूद लगे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, देख सकते हैं आप कितने अमरूद लगे हैं, एक ही पौधे पर कितने सारे अमरूद लगे हैं। और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इतना फलन आने का मकसद क्या है और इतने फल एक ही पौधे पर कितने कैसे आए। ये एक ही पौधा ऐसा नहीं है जिसमें इतने सारे फल आए, सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें बहुत ही मात्रा में इस वर्ष काफ़ी फल लगे हैं। देख सकते हैं आप, हम हर एक अमरूद के पौधे का विश्लेषण करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि एक पौधे पर कितने और एक शाखा पर कितने सारे अमरूद लगे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको आज बताएंगे कि कितने अमरूद और इस वर्ष मौसम कैसा रहा, अमरूद की फसल कैसी रहेगी। तो हर एक पौधे का हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कितने अमरूद लग रहे। देख सकते हैं ये एक शाखा है, इसमें कितने सारे अमरूद लगे हैं। तो ये कुणाल भाई आपको बताएंगे कि कितने अमरूद, गिनकर बताएंगे कि कितने लगे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। देख सकते हैं आप, अमरूद ही अमरूद लगे पड़े हैं। इस वर्ष अमरूद की फसल काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब हम आपको दूसरे पौधे की तरफ ले चलते हैं, देखेंगे कि क्या उसमें भी इतने अमरूद लगे हैं जो इस अमरूद में लगे हैं। तो देख सकते हैं आप, ये अमरूद का दूसरा पौधा है और इसमें देखिए आप काफ़ी मात्रा में अमरूद हरे भरे लगे पड़े हैं। अभी काफ़ी छोटी अवस्था है, अभी इसको टाइम लगेगा पकने में। तो देख सकते हैं आप, अभी इनको अमरूद के पौधों को खोरा दिया है। देख सकते हैं आप, ये गश्ती से इसको चारा है और इस अमरूद का साइज बढ़ाने के लिए ऐसी प्रक्रिया की जाती है। आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और देख सकते हैं आप, ये अमरूद का दूसरा पौधा है जिसमें देख सकते हैं आप कितने अमरूद लगे पड़े हैं। ये बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है, देख सकते हैं आप। इधर आम के पेड़ लगे हैं और इधर अमरूद लगे हैं। ये पास पास में लगने के कारण इसमें अमरूद फिर भी बहुत कम मात्रा में मतलब लगते हैं, किस वर्ष आते हैं किसी वर्ष नहीं आते हैं, पर इस वर्ष काफ़ी अच्छे अमरूद लगे पड़े हैं। देख सकते हैं आप, ये अमरूद का दूसरा पौधा है, इसमें देखिए एक ही शाखा पर कितने अमरूद लगे हैं। देख सकते हैं आप, हर एक शाखा भरी पड़ी है फलों से। हम पास करके तुम्हें दिखाएंगे, जूम करके बताते हैं। देख सकते हैं आप, ये एक शाखा है, इनमें देखिए कितने अमरूद लगे पड़े हैं। जहाँ देखोगे वहाँ अमरूद ही अमरूद है। ये दूसरा पौधा है, चलो हम एक और पौधा आपको बताते हैं और देखेंगे उस पर अमरूद कितने लगे हैं। तो ये अमरूद का एक और पौधा है, ये काफ़ी दूरी दूरी पर लगे हैं। एक अमरूद वहाँ पे लगा है तो एक अमरूद यहाँ पे लगा है, ये काफ़ी गैप होने के कारण आम के पौधों में तो अमरूद लगा दिए थे। तो देख सकते हैं आप, इसमें भी कितने सारे अमरूद लगे हैं। बौछार हो गई है अमरूद की इस वर्ष। तो देखते हैं, मौसम अच्छा रहा तो अच्छा फलन होगा और बारिश के कारण इसमें बहुत सारे फल वो फूल गिर चुके थे, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। काफ़ी इस वर्ष बारिश होने के कारण पौधों के फूल गिर चुके थे, देख सकते हैं आप। चलो एक और अमरूद का पौधा हम आपको दिखाएंगे। ये बागवानी में देख सकते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में खरपतवार उगाए हैं।
अगर आपके पास कोई सलूशन हो तो ज़रूर बताना। ये बागवानी है अमरूद और आम की, ये काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं आम के। ये अमरूद का एक और पौधा काफ़ी दूरी पर लगे हैं और कुछ पौधे सूख भी गए हैं, देख सकते हैं आप। एक और पौधे की तरफ ले चलते हैं हम आपको, देख सकते हैं हर एक पौधे पर इस वर्ष काफी मात्रा में अमरूद लगे पड़े हैं। ये हमारी बागवानी है, देख सकते हैं बहुत बड़ी बागवानी है, काफी समय हो चुका है इसे और ये सोयाबीन लगे पड़े हैं। ये अमरूद के पौधे काफी दूरी पर लगे हैं, देख सकते हैं आप। ये वही पौधे हैं जिनकी हमने कलम की थी, जिनकी हमने प्रूनिंग की थी, तो इनमें काफी मात्रा में लगे हैं अमरूद, देख सकते हैं। कुछ पौधों में हमने प्रूनिंग नहीं की थी उनमें कम फलन आया है, और जिनकी हमने प्रूनिंग की थी उनमें अच्छे और बड़ी मात्रा में लगे हैं अमरूद, और साइज में भी बड़े हैं और दिखने में भी अच्छे हैं और चमकदार है, देख सकते हैं। अभी पत्ते हरे होने के कारण और कम अमरूद दिख रहे हैं, बाकी बहुत मात्रा में लगे हैं, देख सकते हैं। तो इसका हम एक पूरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक और पौधा हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता लग सके, एक और पौधा आपको विश्वास हो सके कि इस बार अमरूद अच्छा हुआ है, और हमें ज़रूर बताने कि आपकी बागवानी में अमरूद इतने लगे हैं या नहीं, इस बार कैसा प्रोडक्शन होगा अमरूद का। ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में बड़े हो चुके हैं अमरूद। ये वही पौधे हैं जिनकी हमने प्रूनिंग की थी, इनकी बिफोर वाली वीडियो भी हम आपको लगा देंगे, ये वही पौधा है, देख सकते हैं। और प्रूनिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, अमरूद भी अच्छे लगते हैं और चमकदार भी लगते हैं, और पौधा दिखने में भी सुंदर लगता है, देख सकते हैं। एक ये वो पौधा है जिनकी हमने प्रूनिंग की थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देख सकते हैं आप। और ये कुणाल भाई, आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।